लास्ट वीडियो में हमने जिंजाइवा के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखे थे, इस वीडियो में हम लोग जिंजाइवा के माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखेंगे। ठीक है, तो जिंजाइवा जो है दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो ज्यादा सेलुलर होता है एज कम्पेयर टू द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज लेस सेलुलर। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द एपिथेलियम। एपिथेलियम में सबसे पहले द ओल्ड थ्योरी वॉज दैट कि सिर्फ एक फिजिकल बैरियर कॉज करता है, प्रोवाइड करता है एपिथेलियम। लेकिन अब हम बिलीव करते हैं कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो इननेट होस्ट डिफेंस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर एक हमारा बैक्टीरिया है ये, और ये एंटर करने की कोशिश कर रहा है हमारी बॉडी में थ्रू द एपिथेलियम, तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एपिथेलियल सेल्स विल रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीज प्रोलिफरेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, एपिथेलियल सेल्स इंक्रीज प्रोलिफरेशन करेंगे, इंक्रीज प्रोलिफरेशन। उसके बाद जो है ऑल्टरेशन इन सेल सिग्नलिंग इवेंट्स, सेल सिग्नलिंग इवेंट्स जो होते हैं उनका ऑल्टरेशन होगा। इसके साथ साथ डिफरेंसिएशन, सेल डेथ, इन सब में भी चेंजेस आएंगे। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होगा, टिश्यू होम्योस्टेसिस जो है दैट विल बी ऑल्टर्ड। ठीक है, अब हम कुछ फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ जिंजाइवल एपिथेलियम देखते हैं। ठीक है, फंक्शंस में क्या है, जिंजाइवा का फंक्शन मैकेनिकल है, केमिकल, वाटर, माइक्रोबियल बैरियर। ठीक है, तो इट एक्ट एज अ मैकेनिकल केमिकल वाटर एंड माइक्रोबियल बैरियर। और दूसरा इसका फंक्शन है सिग्नलिंग फंक्शंस। ठीक है, और एक और इसके नीचे वी फाइंड आउट दैट आर्किटेक्चरल इंटीग्रिटी में इसका क्या रोल है, सेल टू सेल अटैचमेंट, देन बेसल लमाइना एंड द केराटिन साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो जिंजाइवल एपिथेलियम जो है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री डिफरेंट एरियाज, ओरल एंड आउटर एपिथेलियम, जंक्शनल एपिथेलियम एंड द सर्कुलर एपिथेलियम। ठीक है, ओरल, आउटर, जंक्शनल एंड सर्कुलर एपिथेलियम, ये तीन एपिथेलियम है। मतलब अगर हम उसको मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको डिफाइन करें, मतलब थ्री डिफरेंट एरियाज हमें मिलेंगी, ओरल आउटर एपिथेलियम, सर्कुलर एपिथेलियम एंड द जंक्शनल एपिथेलियम। तो जो प्रिंसिपल सेल टाइप होते हैं जिंजाइवल एपिथेलियम के वो क्या होते हैं, ठीक है, तो केराटिनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी सेल्स होते हैं जो कि वी कॉल देम एज, इसके अलावा नॉन केराटिनोसाइट्स भी होते हैं, नॉन केराटिनोसाइट्स। तो जो केराटिनोसाइट्स हैं वो तुम्हारे प्रिंसिपल सेल्स हो गए, और नॉन केराटिनोसाइट्स भी होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लियर सेल्स, सेल्स वेरी फनी क्लियर सेल्स। ठीक, तो क्लियर सेल्स में यानी कि नॉन केराटिनोसाइट्स में क्या क्या आएंगे, इसमें तुम्हारे लैंगरहैंस सेल्स आते हैं, लैंगरहैंस सेल्स, मर्केल सेल्स एंड मिलानोसाइट्स। यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर इफ यू डू नॉट हैव अ बैड हैंडराइटिंग, ओके, जस्ट किडिंग। तो ओके, तो मेन फंक्शन हमने पढ़ लिया जिंजाइवल एपिथेलियम का, कि डीपर स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करता है, सिलेक्टिव इंटरचेंज कराता है ओरल एनवायरनमेंट में, और एक और था इननेट इम्यूनिटी, इननेट होस्ट डिफेंस में एक्ट करता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि प्रोलिफरेशन कैसे होगा, प्रोलिफरेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ये सब होता है। ठीक है, प्रोलिफरेशन कैसे होगा, माइटोसिस होगी बेसल लेयर्स की, ठीक है, ये सब होगा, डिफरेंशिएशन में फ्लैटनिंग हो जाएगी, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है, टोनोफिलामेंट्स बढ़ जाएंगे, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो अब जो है ये देखिए आप कि अगर कंप्लीट केराटिनाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा, और अगर इनकम्प्लीट केराटिनाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा। कंप्लीट केराटिनाइजेशन प्रोसेस, इसमें क्या होगा, ऑर्थोकेराटिनाइज सुपरफिशियल हॉर्नी लेयर बनेगी। ठीक है, कंप्लीट केराटिनाइजेशन होता है अगर, तो क्या बनेगा, ऑर्थोकेराटिनाइज बनेगा, ऑर्थोकेराटिनाइज, और अगर इनकम्प्लीट होगी तो पैरा केराटिनाइज बनेगा। ठीक है, पैरा केराटिनाइज, तो ये ऑर्थोकेराटिनाइज जो होगा ये दैट विल बी सिमिलर टू स्किन। ठीक है, ऑर्थो, ओ फॉर ऑर्थो, यू कंसीडर इट एज जीरो, तो जीरो यानी कि न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस, ओके, और इसमें पिकनोटिक, पी फॉर पैराकेराटिनाइज, पी फॉर पिकनोटिक न्यूक्लियस, इसमें पिकनोटिक न्यूक्लियस होता है। ठीक,
तो जब ये ऑर्थोग्रेटनाइज है तो इसकी जो लेयर्स होंगी इसमें वेल डिफाइंड स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम होगा, इसमें क्या होगा, वेल डिफाइंड स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम होगा, शिट सम होगा, और इसमें जो है नो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, ठीक। तो आउटर जिंजाइवल एपिथेलियम के कुछ ही एरिया सिर्फ ऑर्थोग्रेटनाइज होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, द अदर जिंजाइवल एरियाज आर कवर्ड बाय पैराक्रेटनाइज्ड और नॉन क्रेटनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट स्टेजेस होते हैं, दे आर कंसीडर्ड टू बी द इंटरमीडिएट स्टेजेस ऑफ क्रेटनाइजेशन। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनो ब्लॉट टेक्निक से बड़े बड़े चीजें की गई, तो पाया गया कि कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ साइटोकेरेटिन होता है, ठीक है, हर एपिथेलियल टाइप में। तो ऐसा है कि जो बेसल सेल्स होते हैं, ठीक है, दे बिगिन सिंथेसाइजिंग लो मॉलिक्यूलर वेट केराटिन सच एज KD19, बेसल सेल्स में ये होगा, और जैसे जैसे यू माइग्रेट टू द सरफेस हायर मॉलिक्यूलर वेट केराटिन एक्सप्रेस होते हैं। तो ये तो बेसल सेल की बात हुई, KD19 ही है उसमें, जैसे जैसे आप ऊपर गए बेसल सेल से ऊपर कॉर्नियम तक, स्ट्रेटम कॉर्नियम, वहां पे क्या एक्सप्रेस हो रहा है, KD68 KD, ओके। अब अदर प्रोटीन्स विच आर अनरिलेटेड टू केराटिन सिंथेसाइज ड्यूरिंग मैचुरेशन प्रोसेस, ठीक है, इसमें केराटोलेरिन है, इनवॉल्यूक्रिन है और फिलाग्रिन है, ठीक है। तो फिलाग्रिन की अगर हम बात करें तो फिलाग्रिन जो होता है उनके प्रीकर्सर्स जो होंगे वो केराटोहायलिन ग्रैन्यूल्स में पैक्ड होंगे। तो अगर ये हमारा केराटोहायलिन ग्रैन्यूल है, ठीक, और इसमें कुछ चीजें पैक हैं, तो ये क्या है, दीज आर द प्रीकर्सर्स ऑफ फिलाग्रिन, प्रीकर्सर्स ऑफ फिलाग्रिन, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ट्रांजिशन हो रहा है टू द हॉर्नी लेयर, ट्रांजिशन जब हो रहा है टू द हॉर्नी लेयर, सो व्हाट विल हैपन, जो केराटोहायलिन ग्रैन्यूल्स हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे, दीज ग्रैन्यूल्स विल डिसअपीयर, ठीक है, और क्या होगा, और ये राइस दिल गिव राइस टू फिलाग्रिन विच फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ द मोस्ट डिफरेंशिएशन एपिथेलियल सेल्स, ये भाई डिसअपीयर हो जाएंगे, दे विल गिव राइस टू फिलाग्रिन एंड दिस विल फॉर्म द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बनाएगा, ये मैट्रिक्स किसका बनाएगा, मोस्ट डिफरेंशिएशन एपिथेलियल सेल्स, मैट्रिक्स ऑफ मोस्ट डिफरेंशिएटेड एपिथेलियल सेल्स सेल, एंड दैट इज द कॉर्नियोसाइट, इसको भी हम पढ़ेंगे, कॉर्नियोसाइट, दिस इज द कॉर्नियोसाइट। तो फुली डिफरेंशिएटेड स्टेट में द कॉर्नियोसाइट्स आर मेनली फॉर्म्ड बाय बंडल्स ऑफ केराटिन टोनोफिलामेंट्स, ठीक, तो व्हाट इज कॉर्नियोसाइट, बंडल्स हैं केराटो सॉरी टोनोफिलामेंट्स के, जो कि एम्बेडेड है इन एन एमोर्फस मैट्रिक्स ऑफ फिलाग्रिन, ये मैट्रिक्स है, ठीक, और सराउंडेड बाय अ रेसिस्टेंट एनवेलप, सो दिस इज अ रेसिस्टेंट एनवेलप, दिस इज द कॉर्नियोसाइट, टोनोफिलामेंट है, दिस इज द टोनोफिलामेंट, टोनोफिलामेंट एंड दिस इज द मैट्रिक्स, व्हाट मैट्रिक्स इज दैट, मैट्रिक्स ऑफ फिलाग्रिन, और ये तुम्हारा एनवेलप है। अब बात करते हैं केराटिनोसोम से ऑडलान बॉडीज की, अब ये कौन सी बला है, ठीक, तो जो अपर मोस्ट सेल्स होंगे स्ट्रेटम स्पाइनोसम के, ठीक है, तो जो सेल जो लेयर्स होती हैं, दीज आर द स्ट्रेटम बेसल, ठीक है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम, यही तो होता है। तो जो स्पाइनोसम है
ठीक है, उसके अपर मोस्ट सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, दे कंटेन न्यूमरस डेंस ग्रैन्यूल्स, न्यूमरस डेंस ग्रैन्यूल्स, ठीक है। इन ग्रैन्यूल्स को हम लोग बोलते हैं केराटिनोसोम्स या ऑडलैंड बॉडीज। तो ये है क्या, दीज आर मॉडिफाइड लाइसोसोम्स एंड शॉर्ट ऑफ कलर्स, दीज आर मॉडिफाइड लाइसोसोम्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एसिड फॉस्फेटेज होता है, विच इज एन एंजाइम विच इज इन्वॉल्व्ड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनल मेम्ब्रेन। क्या है, एसिड फॉस्फेटेज है, एसिड फॉस्फेटेज है, एसिड फॉस्फेटेज, ठीक। अब नॉन केराटिनोसाइट्स में मेलानोसाइट्स आएगा, मर्कल सेल आएंगे और लैंगरहैंस सेल्स आएंगे, ठीक है। मेलानोसाइट्स क्या है, दीज आर द डेंड्राइटिक सेल्स लोकेटेड इन द बेसल एंड द स्पाइनस लेयर। कहाँ पे प्रेजेंट है, बेसल स्पाइनस लेयर पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है, दीज आर द डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स है, बेसल एंड स्पाइनस लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और दे सिंथेसाइज मेलानिन, ठीक। कहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनल्स में सिंथेसाइज करते हैं, ठीक, ऑर्गेनल्स में सिंथेसाइज करते हैं। और ये ऑर्गेनल्स जो हैं, दे आर प्री मेलानोसोम्स या मेलानोसोम्स। मेलानोसाइट्स जो हैं, ये हमारा, चलो डायग्राम से बताते हैं, ये हमारा मेलानोसाइट है, ठीक। इसके पास है एक चीज, वो चीज क्या है, टाइरोसिनेज है, ठीक है। अब एक बंदा आया, वो बंदा था टाइरोसिन, ठीक, टाइरोसिन इसके पास गया टू मीट हिम, ओके। तो ये जो है क्या करेगा, ये हाइड्रोक्सिलेट कर देगा इस टाइरोसिन को टू डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट हुए, दिस विल कन्वर्ट टू डोपा विच इज डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ठीक। उसके बाद और प्रोग्रेस होगा और बहुत सारे कन्वर्जन होंगे, ब्ला 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 होगा, और क्या होगा, दे विल बी कन्वर्टेड टू मेलानिन, ठीक। ये मेलानिन ग्रैन्यूल्स जो हैं, वो फेगोसाइटोस हो जाएंगे और दे विल बी कंटेन्ड इन अदर सेल्स ऑफ द एपिथेलियम, ठीक है। और जिन सेल्स में वो कंटेन होंगे, ये सेल्स में जाके भर जाते हैं, और इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलानोफेजेस या मेलानोफोर्स बोलते हैं, मेलानोफेजेस और मेलानोफोर्स, ठीक। तो ये हो गया बात। अब जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं, दीज आर डेंड्राइटिक सेल्स लोकेटेड अमंग द केराटिनोसाइट्स, सारे सुप्रा बेसल, बेसल लेयर में नहीं होंगे, सारे सुप्रा बेसल, बेसल सेल के ऊपर लेयर्स के ऊपर जितने भी लेयर हैं उस सब में होंगे लैंगरहैंस सेल्स, एंड दे कंटेन इलोंगेटेड ग्रैन्यूल्स एंड आर कंसीडर्ड मैक्रोफेजेस विद पॉसिबल एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, दे आर कंसीडर्ड मैक्रोफेजेस विद पॉसिबल एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन द इम्यून रिएक्शन, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैंगरहैंस सेल, व्हाट इज द फंक्शन, क्या काम करते हैं, दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून रिएक्शन एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स फॉर लिम्फोसाइट्स, दे कंटेन जी स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स, दे कंटेन जी स्पेसिफिक granules which is called as the Birbeck's granule, Birbeck's granules, ठीक है। and they have a marked adenosine triphosphate activity, okay। तो अब हम लोग बात करेंगे मर्कल सेल्स की। मर्कल सेल्स आर लोकेटेड इन द डीपर लेयर ऑफ एपिथेलियम, डीपर लेयर में होते हैं, ठीक है। और दे हार्बर नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग होती है इसमें, एंड दे आर कनेक्टेड टू द एडजेसेंट सेल बाय डेस्मोसोम्स। और एक और चीज क्या होती है, दे हैव
been identified as tactile perceptors. तो मकर सेल्स में तीन चीजें पढ़ी हमने, एक तो डीपर लेयर में होता है, नर्व एंडिंग्स होती हैं और टैक्टाइल परसेप्टर्स होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द बेसल लमाइना इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय.